आपके घर में भी यदि शादी है और आप सबसे पहले हल्दी की रस्म अदा करते हैं तो उसमें शायद आपसे भी गलतियां होती होगी। इसलिए आपको आज हम ज्योतिष के अनुसार हल्दी क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है और कब लगाना चाहिए, इसकी सही जानकारी बताने जा रहे हैं। यदि आप भी ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार से दुल्हन को शादी से पहले हल्दी लगाते हैं तो उसका जीवन सुखमय और समृद्धि वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। आइए हम आपको ज्योतिष के अनुसार सही जानकारी बताते हैं। लोकल 18 की टीम को पंडित शैलेंद्र मुखिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके घर पर भी शादी है तो आपको सबसे पहले सही मुहूर्त पंडित के द्वारा निकालना चाहिए और उस सही मुहूर्त के हिसाब से ही दुल्हन को सही मुहूर्त में हल्दी लगाएं। यदि आप सही मुहूर्त में हल्दी दुल्हन को लगाते हैं तो उसके घर में सुख समृद्धि आएगी और उसका परिवार संसार सही रहेगा। हल्दी रोगों को दूर करने के लिए भी लगाई जाती है, इसलिए हल्दी लगाने के 2 महीने होते हैं और सुबह के समय में ही हल्दी लगाने का विशेष महत्व होता है, इसका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। यदि आपके यहाँ पर भी बेटी की शादी है और आप हल्दी लगाते समय सही मुहूर्त में ही हल्दी नहीं लगा पाए तो दुल्हन के घर परिवार संसार में विवाद की स्थिति बनती है, शादी में विवाद हो सकते हैं, इसलिए आपको सही समय का ध्यान रखना चाहिए। आज फैशन के दौर में केवल चेहरे पर ही हल्दी लगाई जाती है जबकि शास्त्रों में इसका पूरे शरीर पर हल्दी लगाने का वर्णन किया गया है। इसलिए ज्योतिष पंडित शैलेंद्र मुखिया ने बताया कि हल्दी दुल्हन को पूरे शरीर पर लगाना चाहिए। हल्दी क्यों लगाई जाती है? क्या हल्दी जो है वो शुभ का प्रतीक है, हल्दी जो है बृहस्पति का भी प्रतीक है। तो बृहस्पति यानि लड़की को जो है बृहस्पति और चंद्रबल शादी में लगता है, तो बृहस्पति ये कई चर्म रोगों को समाप्त करता है। जैसे हल्दी जो है त्वचा को रोग को समाप्त करती है, हल्दी जो है वो कई रोगों को भी मुक्त करती है, इसलिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। दुल्हन को किस समय हल्दी लगाना चाहिए? हल्दी गणपति की स्थापना हो जाती है उसके बाद हल्दी का जो मुहूर्त निकलता है उसी मुहूर्त में अगर हल्दी लगे तो वो बहुत ही शुभ एवं सुख शांति का प्रतीक माना जाता है।